जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टोरी, आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन एक जो है एक से दो क्लासेस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आप सभी के लिए जो है जंतु ऊतक और पादप ऊतक, आपने देखा होगा दो से तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन अभी आपके समक्ष हम लोग क्लास में करने वाले हैं, और अभी इस टॉपिक को हम पूरा कवरअप करेंगे और वो भी आपको जो है शानदार तरीके से याद होगा, वो भी शॉर्टली। ठीक है बच्चा, शॉर्ट नोट्स जो है आपको देखना है, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे और यहाँ से आप लोग 1 से 2 मार्क्स अपने ला सकते हैं। देखिए, उस तक टिश्यूज की बात करें तो देखिए, समान उत्पत्ति संरचना तथा कार्य करने वाले कोशिकाओं को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, ऊतक कहते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे पादप ऊतकों की, किसकी बात करेंगे, प्लांट टिश्यूज की हम लोग पहले बात करेंगे। पहला आता है आपका विभोज्य ऊतक, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, कौन सा, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या है, विभोज्य ऊतकों की कोशिका लगातार क्या होती है, विभाजित होती है। पौधे जो होते हैं, पौधों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ने में सहायता करते हैं, पौधों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने में यह सहायता करती है जो है। इसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है, किसमें, आपका मेरिस्टमेटिक ऊतक में। आगे देखिए, पौधे में लंबाई और वृद्धि जो है शीर्ष स्थल विभोजी ऊतक के रूप में होते हैं, और आपका केम्बियम तथा कॉर्क केम्बियन पार्श्व विभोजी ऊतक का उदाहरण होते हैं। इतना आप लोग को नोट करना है, सिंपल नोट, शॉर्ट नोट्स आप सभी के लिए। अब देखिए आपका परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो यह विभोजी ऊतक की कोशिकाओं एक जो है विशिष्ट कार्य करती है, और इसके बाद जो है आपका विभाजित होने की क्या करती है, शक्ति यह खो देती है। साथ ही नोट करना आप साथियों कि इसके फलस्वरूप जो है स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, क्या होता है, इसके फलस्वरूप ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, और इन ऊतकों जो है इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत तथा ठीक है जीवित या मोटी भित्ति वाली होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सरल स्थायी ऊतक की, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, तो यह जो है एक ही कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है, कितने, एक ही सेल्स के बने होते हैं, कौन से, सरल स्थायी ऊतक, जिसे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और जो आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है 4 प्रकार से बांटा गया है, इसमें काफी सारा कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में आते हैं, तो अब देखिए ध्यानपूर्वक क्या क्या है। यह पेरेनकाइमा को समझते हैं कि पेरेनकाइमा क्या होता है, शॉर्ट नोट्स की तरह, तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, इसे पेरेनकाइमा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है मांड स्टार्च तथा वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचयन, क्या आप लोग बिल्कुल जो है समझ पाए। आगे आते हैं, देखिए आपका आपका को जो है कोलेनकाइमा जिसे हम लोग कहते हैं, हरित लवक जो है आपका क्लोरोफिल आपका रखने वाले पेरेनकाइमा ऊतक होते हैं, और इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, यह स्टार्च का निर्माण करता है, यह हमें ध्यान रखना है। कोलेनकाइमा ये ऊतक जो है एपिडर्म के नीचे आपका पर्णव्रंत में पाया जाता है। कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो ये पर्णव्रंत वाले भाग में पाया जाता है, आपके जो है एपिडर्मिस के नीचे। इसकी ऊतक की कोशिकाएं जीवित जो और लंबी और अमितीय आपका अनियमित ढंग से कोनों पर क्या होती है, मोटी होती है, यह भी हमें ध्यान रखना है। यह पौधे में क्या करते हैं, आपका तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और इस ऊतक का आकार गोलाकार, अंडाकार और आपका बहुभुजी होता है, इतना आपको नोट करना। ठीक है साथियों, इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल नोट करके रखना है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो इस ऊतक की कोशिका मृत होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है, तो इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, ये लंबी और पतली होती है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, लंबी योम पतली होती है। कोशिकाओं के बीच में कोई जो है आंतरिक स्थान नहीं होता है, क्या होता है, इसमें कोई भी आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता है, और आपका दृढ़ कोशिकीय, ठीक है, ये अरो आपका अखरोट, नारियल और आपका लेंग्यूमिनी कुल के बीज के ऊपर ही क्या होती है, यही कोशिकाएं कठोर बीजावरण का निर्माण करती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये नाशपाती, ठीक है, ये नाशपाती खाने में कठोरता का अनुभव इसके जो है
गुदे में उपस्थित दृढ़ कोशिकाओं के कारण होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अब स्थूल ऊतक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो इसके जो है अंतर्गत बाह्य त्वचा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिचर्म, ठीक है बच्चा, तथा आपका कॉर्क, यह आते हैं। कॉर्क आपने पढ़ा होगा, और आपका एपिडर्मिस, ये आपके सुरक्षात्मक ऊतक के अंतर्गत आते हैं। बात करते सर जी स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा की बात करें तो ये छोटे छोटे रंध्र, ठीक है, ये छोटे छोटे रंध्र में उपस्थित होने के कारण ही पत्ती की बाह्य त्वचा और कुछ जो है स्थानों पर क्या होते हैं, सतत जो है नहीं रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं जटिल स्थायी ऊतक। ऊतक जो है, ऊतक के बारे में जानते हैं, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। तो सर जी आपका यह ऊतक एक में अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ये सभी जो है एक साथ मिलकर कई जो है एक नई कोशिका की कार्य करते हैं। जाइलम फ्लोएम इसमें आते हैं, जो आपके संवहन ऊतक होते हैं। तो जाइलम देखिएगा, जल का परिवहन करता है, जाइलम और जल और खनिज का। चार प्रकार से होते हैं जाइलम, कौन कौन से, एक होता है आपका वाहिनी का, वाही का आपका, चलिए जिसे हम लोग कहेंगे फ्लोएम, ठीक है बच्चा, फ्लोएम आपका पेरेन जो है पेरेनकाइमा, या फिर होगा आपका जो है स्क्लेरेनकाइमा, आपका कौन सा, चलिए जाइलम पेरेनकाइमा। तो आपके चार प्रकार से हो चुके हैं। फ्लोएम की बात करें तो यह जो है ऊतक, यह एक संवहनी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है, यह एक संवहनी ऊतक होता है, और यह पत्तियों द्वारा जितना भी भोजन बनाया जाता है वो विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। और यह भी चार प्रकार से होते हैं, चलनी नलिकाएँ, आपका सहचर कोशिकाएँ, आपका पोषण वाहक, आपका पेरेनकाइमा, और आपका फ्लोएम जो है फाइबर्स, जिसे हम लोग पोषक वाह तंतु कहते हैं। क्या इतना आपको पता चल चुका है क्या साथियों, चीज़ों को समझना है। ये शॉर्ट नोट्स है आप सभी के लिए, जो बहुत कारगर सिद्ध होगी आपके लिए। देखिए, चलिए देखिए, आपका भूमि तना के अनेक प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि कंद है आपका, शकर कंद है, धन कंद है, प्रकंद है आपका, अगर कंद बोले तो आलू होता है, अगर सल कंद बोले प्याज लहसुन और तिल्ली होता है, लीली होता है। धनकंद की बात करें तो बंडा और केसर, ये दो चीज़ें याद रखना है आप लोगों को, और प्रकंद की बात करें तो हल्दी और अदरक होता है। चलिए आगे आते सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आते हैं आपके कि अर्ध, चलिए पहले हम टिश्यूज देख लेते हैं, बाद में इसे देखेंगे। देखिए आगे नोट करिएगा, जंतु आपका एनिमल टिश्यूज कौन कौन से हैं। तो चार प्रकार के एनिमल टिश्यूज होते हैं, मैं बता दूँ आपको। एक होगा आपका आपका उपकला ऊतक, इपीथीलियल जो है, इपीथीलियल जो है टिश्यूज होता है। यह ऊतक जो है जंतु की बाहरी सतह और आंतरिक गुहाओं का आवरण होते हैं। ये विभिन्न आकार तथा जो है माप के होते हैं। यह जो होते हैं रक्तवाहिनी का कि यह रक्तवाहिनिकाओं को आंतरिक सतह जो है लसिका वाहिनी की और आपका हृदयावरण पेरिटोनियम जो है आपका प्यूरा बोमेन कैप्सूल हैनले लूप और फेफड़े की जो है आपका एल्वोलाई सरल सलकी उपकला ऊतक से बने होते हैं। ये काफ़ी सारे चीज़ों से बने होते हैं उपकला ऊतक, ठीक है बच्चा। ये आपके वृषणों के शुक्राणुजन्य नलिकाओं और आपका सिलियरी बॉडी और नेत्र की आपका जो है आइरिस त्वचा की आपका संवेद श्वेत ग्रंथि और सरल घनाकार उपकला त्वचा से बनता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, संयोजी ऊतक की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो देखिए इनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है, और यह जो है आपका अंतर कोशिकीय आधृत आपके आधात्री में धसी हुई होती है। साथ ही ध्यान रखना है कि यह आधात्री जैसे कि तरल और आपका सघन या कठोर होती है। यह अंगों में जो है विभिन्न ऊतकों को जो है परस्पर संयोजी बना सकता है, और यह इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए कंकाली संयोजी ऊतक शरीर को सहारा देते हैं, जैसे कि आपका अस्थि और उपास्थि, ये दोनों ध्यान रखना है। तरल संयोजी ऊतक की बात करें तो आपका जो है रक्त ब्लड और लसीका होगा। आपका अस्थि मज्जा होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। और संयोजी ऊतक की बात करें तो यह आपका कॉलेजन तंतु और आपका क्षतिग्रस्त ऊतक को आपकी उसकी मरम्मत करती है। आगे देखिए साथियों, आपका कौन सा सब्जी, पेशीय ऊतक,
क्या है। थर्ड हम लोग जानेंगे पेशी ऊतक की, ये लंबी कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं आपका, चलिए कौन सी टिश्यूज, तो आपके जो है पेशीय टिश्यूज, तो यह जो है लंबी कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। इनमें जो है पेशीय फाइबर, जिसे हम लोग जो है पेशीय रेशा कहते हैं, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पेशीय तंतु की उत्पत्ति भ्रूणीय जो है मीसोडर्म से होती है, किसके द्वारा होती है, मीसोडर्म के द्वारा होती है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नोट करना, तंत्रिका जो है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका ऊतक, ये हमारे शरीर में तंत्रिकाएं आपके आपका संदेशों को क्या करती है, प्रेषित करती है, इसके जो है इस करने के लिए विशिष्टीकृत होती है, और जो है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी ऊतकों की बनी होती है, और आपका न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक जो है इसकी यूनिट होती है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्रिका की क्या होती है, यूनिट होती है। तो यहां से गाइस आपके दो क्वेश्चन परफेक्ट रखे हैं, जो है आपके बॉटनी में या जूलॉजी में दो क्वेश्चन परफेक्ट आते हैं, एक बार चीजों को रिवाइज कर लेना है और छोटी सी एक कॉपी बनाना है और इसे नोट डाउन करना है और फिर एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है साथियों। तो ये 5 से 10 मिनट का वीडियो आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि हर बच्चा इस बार जो है सिलेक्शन ले पाए। वादा है कि आपका इस बार बहुत ही अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। तो चलिए, जय हिंद, नमस्ते, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।